अच्छा, स्टेप ज़्यादातर वही है जिस तरीके से स्टैटिक स्ट्रक्चर में था। बस यहाँ एक मटेरियल जो असाइनमेंट है, अगर हम स्टैटिक स्ट्रक्चर में कर रहे थे तो हमें यंग मॉडुलस, पोजॉन रेशियो, इन सम केसेस यील्ड स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी ये देनी होती थी। लेकिन यहाँ जो है थर्मल एनालिसिस है, तो यहाँ थर्मल की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो हम देते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, तो वो हम देंगे। और मोस्टली जो बाउंड्री कंडीशन जो होंगी वो इसमें टेम्परेचर बेस्ड होंगी, तो थ्योरी इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये तीन फेज है और उसपे कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है T1, T2, T3। इसकी जो लेंथ है वो L है और एरिया जो है A। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ से हमें हीट इनपुट दे रहे हैं, यानी इस पॉइंट पे यानी इस फेज पे टेम्परेचर T1 है, तो उससे हमारी एक हीट जनरेट होगी। ठीक है, हम अभी यूनिडायरेक्शनल बात कर रहे हैं, इन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में बात नहीं हो रही, तो इसको हम क्यू एक्स लेते हैं। अब एज यू नो के अगर हमें एक फेज पे हीट पता हो यानी कोई भी फंक्शन पता हो, तो उसका टू अदर फेज हम फंक्शन निकाल सकते हैं यूजिंग लैपलास। ठीक है, तो वो लैपलास के किस तरीके से निकालेंगे? अगर इस फेस पे हमें निकालना है तो इस फेस पे क्या होगा? फर्स्ट वन यही प्लस इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस हाई ऑर्डर टर्म इसी का स्क्वायर एंड सो ऑन। हाई ऑर्डर टर्म को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो जो हमारा हीट कंटेंट आ गया टू अदर फेस, तो ये हमारे पास आ गया क्यू एक्स एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर मुझे इसका नेट टोटल मालूम करना हो नेट हीट कंटेंट या हीट फ्लो क्यू एक्स, माइनस इनलेट माइनस हीट जनरेशन। अब हीट जनरेशन क्या मतलब? अब फर्ज करें मैं कमरे में बैठा हूँ, कमरे के अंदर कोई आग जलाई गई मैंने, कमरे के अंदर बंदे हैं तो उनकी भी एक अपनी हीट जनरेशन होती है यानी रेडिएशन होती है, तो उसको भी काउंटिंग करना होगा, तो उसको भी काउंटिंग करेंगे। ठीक है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जी, हीट इंटू इट्स वॉल्यूम, तो ये सही है। कैंसिल कैंसिल होने के बाद अगर हम यहाँ ये जो के है, ये जो क्यू एक्स है, इस क्यू एक्स को हम फोरियर लॉ हमें पता है माइनस के, अगर हम फ्लक्स कंसिडर कर रहे हैं अभी, तो यहाँ से ये करें क्यू डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स, और आपने उसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आ गई है हमारे पास, डेल्टा स्क्वायर, वहां था डेल्टा एक्स पीछे, और अगर हम फ्लक्स कंसीडर ना करें तो यहाँ एरिया आ जाएगा, यानी क्यू एक्स इक्वल टू के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स, तो एरिया जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। एंड जो बाकी है, ठीक है, वैसे भी ये जो माइनस साइन है वो शो करवा रहा है कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है विद टाइम। अच्छा, स्टडी से है तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन स्पेस का मतलब है कि अलोंग द लेंथ टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी अगर मैं वॉल्यूम यानी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जी को रिमूव करा दूँ, तो हमारे पास एक ये शक्ल बन जाएगी।
यहाँ पर एक शक्ल बन गई इसकी, ये अब ये था डेल्टा एक्स के लिए, ठीक है, यानी टू सम एक्स लेंथ के रेंज में। अगर हमें लेंथ पे मालूम करना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ एक चीज देखनी होगी कि अगर मैं इसका फिर से डिफरेंशिएट करूँ, यानी इसका स्लोप ले लूँ, तो जो स्लोप होगा वो 0 हो जाएगा। तो अगर स्लोप हमारा 0 हो जाएगा तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो उस सॉल्व करने के लिए हमें एक फंक्शन, इसमें एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, तब जाके ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अब वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अब वही डेरिवेशन नहीं करवा रहा इसकी, जैसे इंटीग्रेट करवाना है तो यहाँ एक आर्बिट्रेरी फंक्शन आ जाएगा। ये आर्बिट्रेरी फंक्शन क्या है, W, ये आर्बिट्रेरी फंक्शन किसका होगा, ये एक्स का होगा। अगर एक्स का नहीं होगा तो यहाँ जो फंक्शन है ये वाला ये 0 हो जाएगा। तो इस वजह से ये फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है फॉर सॉल्विंग। अब दो चीजें और डिस्कस करते हैं और देन मूव करते हैं फॉर रियल लॉ। तो वहां फ्लक्स हो जाएगा तो माइनस के प्लस अच्छा इसका जो एरिया है वो तो मैं आपको बताता हूँ। एरिया जो हम लेंगे वो 1 मीटर स्क्वायर, जो इस स्ट्रक्चरल स्टील है, मटेरियल जो है स्ट्रक्चर स्टील यानी डिफॉल्ट वाला यूज करेंगे, ठीक है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर स्टील का है के जो अराउंड 60 होगा, और जो इसकी लेंथ है वो मैं 50 सेंटीमीटर, यानी ये लेंथ ये है, ठीक है। और एरिया क्या है जिसके थ्रू आप, जिसमें ये पूरा एरिया यानी एक्स और जी, ठीक है, एरिया जिसके थ्रू हम हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो, तो इसमें एक चीज रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। अब अपॉन डीएक्स है, डीएक्स को हम लेते हैं अभी एल लेंथ, जी टू -T1 एल ओवर के ए। ये जो एल ओवर के ए है, ठीक है, ये हमारी कंडक्टिव रेजिस्टेंस है, आर है रेजिस्टेंस और कंडक्टिव का मतलब, ठीक है, कंडक्टिव रेजिस्टेंस। कंडक्टिव का क्या मतलब कि अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में कांटेक्ट में है तो अगर एक पे हम हीट देंगे तो वो ट्रांसफर हो जाएगा ड्यू टू वाइब्रेशन, और वो 100% तो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, वो उसमें कोई रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो हम चलते हैं सिमुलेशन की तरफ, तो यहाँ से आ जाएंगे स्टेडी स्टेट थर्मल इंजीनियर डेटा आपको दिखाते हैं अराउंड 60.5, ठीक है। और जो मटेरियल वेरिएबल्स है उसमें हमें टेम्परेचर लेना होता है, और अगर स्ट्रेसेस यानी प्री स्ट्रेस कंडीशन है तो उसमें स्ट्रेसेस को हम मूव करते हैं ज्योमेट्री डेफिनेशन की तरफ। कॉन्सेप्ट में जाके हमें असल में रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन बनाना है, तो क्रॉस सेक्शन में जाके रेक्टेंगल, ठीक है, और रेक्टेंगल में जाके ब्रेथ एंड हाइट हो जाते हैं
और वाई केस में 1/1 है, एंड देन इसको एक्सट्रूड कर दें रेक्टेंगल एंड अप्लाई, और यहाँ जाके जो हमारे पास वो है अराउंड 0.5 एंड जनरेट। तो यहाँ से आप देख लें कि जनरेट हो गया हमारी ज्योमेट्री, वो डिफाइन हो चुकी है। मटेरियल डिफाइन नहीं करना, तो वो पहले से ही डिफाइन हुआ हुआ है। हम चलते हैं डायरेक्ट मेशिंग की तरफ, डिफॉल्ट मैश क्रिएट करके देखते हैं, एंड देन सी के हमें फाइन करने की जरूरत है या नहीं। फाइन कर देते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन पे जाके इसको कर देते हैं 25, एंड लाइकवाइज साइजिंग अप्लाई की इस वाले फेस पे, एंड अप्लाई डबल क्लिक, नंबर ऑफ डिविजन्स आ गया इसमें अराउंड हम कर रहे हैं 35, और जो लास्ट फेस है इसको सिलेक्ट करके साइजिंग इसमें इनिशियल टेम्परेचर रेडी टू है, और हमें जो एक फेस पे देना है, एक फेस पे देते हैं इसलिए फेस पे ये फेस क्लिक एंड टेम्परेचर हमें रेडी टू ही देना है। ठीक है, तो उसको रेडी टू रखेंगे, और जो साइड वाला है उसको सेलेक्ट किया एंड टेम्परेचर उसको दे दे 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अगर यूनिट चेंज करना है तो होम में जाके यहाँ से यूनिट्स आ गया मेरा। ठीक है, और ना हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ कन्वेक्टिव और रेडिएटिव भी होता है, और यहाँ इंटरनल हीट जनरेशन, यानी अगर आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करने के बाद पूरी बॉडी को सिलेक्ट करेंगे एंड अप्लाई, और ना अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड देन हम इसको सॉल्व किया, लेट्स से सॉल्व, थर्मल में आप टेम्परेचर देख सकते हैं, टोटल फ्लक्स एंड वॉल्यूम भी देख सकते हैं, एंड राइट क्लिक इवेल्युएट ऑल रिजल्ट्स। टोटल फ्लक्स अराउंड ये आ रहा है, रिमोट कंट्रोल नॉर्मल फ्रेम, अलाउ एक्स एक्सेस, और इसको भी देख लेते हैं, तो अलाउ जी देख लेते हैं एंड रिव्यू द रिजल्ट्स 1548। और अगर हमें इसको वैलिडेट करना हो, अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के लिए आप फॉरियर फॉर्मूला, जो फॉरियर लॉ का फॉर्मूला है वो आप यूज करेंगे, और अगर सिलैंडरिकल है या स्फेरिकल है तो उसके लिए अपना फॉर्मूला यूज करेंगे इसका। ठीक है, तो वैलिडेशन के लिए हमारे पास ये है, हम फ्लक्स भी कंसिडर करें तो माइनस के डेल्टा टी, यानी इसको मैं लिख रहा हूँ T2 - T1 ओवर एल। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 60.5 × 150 − 22 अपॉन 0.5, तो अराउंड वो भी आ रहा है 15488 वॉट पर मीटर स्क्वायर।
तो ये भी देख भी लिया आपने कि 15488 आ रहा है, तो ये वेरीफाई भी हो रहा है।